पंजाब और मैं ये चीता सर का बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ जो मैं मेरे को हर बार इस इवेंट में बुलाते हैं। पूरी दुनिया में अगर यूसी का बर्थडे जो इतने प्यार से इतने अच्छे से कोई मनाता है वो है चीता यज्ञ शेट्टी। हाय, आई एम चीता यज्ञ शेट्टी। ये मेरा स्टूडेंट मनोज है। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया का पूरा चीता जितकुंडों का कोऑर्डिनेटर। मेरी कंपनी है मैजिक एंटरटेनमेंट जो कि हर बार इस इवेंट को स्पॉन्सर करती है और हेल्प करती है। और मैं चीता सर से 10 साल से जुड़ा हूँ तो मैं आगे भी ये सब जुड़ा रहूँगा चीता सर के साथ में। इनका काम देख के मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये चीता जितकुंडों को बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक यू सिटी सर से मैं 35 ईयर्स ही जुड़ा हुआ सर के साथ में और बहुत इंस्पायर करते हैं हर आदमी और सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे लिए भी बहुत इंस्पायर किया सर ने। मेरा भी कुछ एक्सरसाइज के लिए इस उम्र में भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। मैं एक ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट करवाएं। मार्शल आर्ट करने से वो फिजिकल ही नहीं और मेंटली भी प्रिपेयर होता है। इन्होंने 10.5 लाख लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। उसके अलावा चीता सर ने आज 30 बच्चों को बुक्स, चॉकलेट्स, जो उनकी नीड होती है वो बांटा। रियली प्राउड है। ऐसे बहुत कम लोग जो दूसरों का सोचते हैं। बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ और बेटी पढ़ाओ। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, पढ़ाओ के साथ में बेटी खिलाओ। तो क्योंकि जब बेटी खेलेगी वो अपने आप में प्रिपेयर होगी और वो यहाँ पे रेप और ये सब होने बंद हो जाएंगे। बहुत सपोर्ट दे रहे हैं लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। आज इंडिया में वाकई औरतों का दिन है क्योंकि दीपा कर्माकर हमारी जिमनास्टिक की वो अभी रियो और टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार हो रही है। फर्स्ट राउंड उसने क्लियर कर लिया। मैरी कॉम ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देके गोल्ड मेडल मिला और अभी देखा आपने राखी सावंत को चीता यज्ञ शेट्टी के साथ वो सीख रही है। 6 महीने में वो खुद को प्रिपेयर कर लेगी और वो 100% अपने इस फाइट में जीते। 2019 का मेरा सिर्फ एक ही प्लान है सर, पटकना, मारना, रेबल को पटकना, बस यही चैलेंज। और मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहले लड़कियों को जिमनास्टिक सीखना चाहिए जी। 3 साल से लेके 7 साल तक बच्चियों को जिमनास्टिक सीखना चाहिए। 7 साल से बाद में उसको फुटबॉल और मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। देखिए, लड़कियों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जैसे बोलते हैं घर में कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, आप खेलो, आप स्पोर्ट्स में आओ। देखो आज दीपा कर्माकर, मैरी कॉम, इन्होंने एक कंट्री का नाम कहाँ ले गए, आसमान पे पहुँचा दिया। ऐसे ही मैं सब लड़कियों से चाहूँगा कि वो अपने कंट्री का नाम आगे बढ़ाएं, अपने एरिया का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपने समाज का नाम और अपने घर का नाम आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ टाइगर श्रॉफ को ट्रेन किया हूँ और सूरज पंचोली को थोड़े दिन ट्रेन किया हूँ और नसरीन सर के तीनों बच्चे लोग को भी ट्रेन किया हूँ और अरबाज अली खान ऐसे और अशोक भाई सर के भी 2 लड़की लोग, नेहा और सुजाना, उन लोग को भी ट्रेन किया। तो एक वक्त था तो ट्रेन किया, उसमें से टाइगर सबसे बड़ा मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्ट लेता था टाइगर में। और जाकी सर ने वो टाइगर जो पैदा होने से 2 साल पहले बताए थे कि मेरे बच्चों को तू ही सिखाएगा, तेरे जैसे ही बनाना, लेकिन वो बच्चा 2 साल के बाद पैदा हो गया। लेकिन जाकी दादा के सोच के वजह से उनका अरमान जो था टाइगर ने पूरा किया और वन ऑफ द बेस्ट इन फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टाइगर। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें।